हेलो गाइस गाइस, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो गाइस हम बात करेंगे ईस्ट बंगाल एफसी और उड़ीसा एफसी के बारे में। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को नया सब्सक्राइब, मैं फुटबॉल से रिलेटेड इसी तरह का अपडेट डेली लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं उड़ीसा एफसी के बारे में। तो गाइस उड़ीसा एफसी ने अमरिंदर सिंह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गाइस और बढ़ा दिया, मतलब 2026 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली कर दिया गया है। ऐसे भी गाइस आप लोगों को मालूम होगा जो अमरिंदर सिंह है वो सर्जियो लोबेरा के साथ भी खेल चुके हैं, इसलिए गाइस फेवरेट प्लेयर शायद बन गए होंगे सर्जियो लोबेरा का अमरिंदर सिंह, ठीक है। इसलिए गाइस उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से एक्सटेंशन कर दिया गया है। और गाइस सेकंड नंबर में भी बात कर लेते हैं उड़ीसा एफसी के बारे में। तो गाइस उड़ीसा एफसी एक प्लेयर को ढूंढी है, मतलब सर्जियो लोबेरा के बेस्ट चॉइस है ये प्लेयर, ठीक है। इसलिए गाइस उड़ीसा एफसी इस प्लेयर को टारगेट कर रही है अपने टीम में शामिल करने के लिए। तो गाइस उस प्लेयर का नाम है नेस्टर अल्बाइस, ठीक है। तो गाइस चलिए मैं आपको थोड़ा सा इस प्लेयर के बारे में बता देता हूँ। तो गाइस जो नेस्टर अल्बाइस है उनका 30 ईयर्स ओल्ड है और वो स्पेन से बिलोंग करते हैं, और गाइस ये फॉरवर्ड के पोजीशन में खेलते हैं। और गाइस इनकी मार्केट वैल्यू की बात किया जाए तो इनका मार्केट वैल्यू 2 करोड़ रुपीज है। अब देखो गाइस उड़ीसा एफसी डील को पूरा पूरी कंप्लीट कर पाता या फिर नहीं, देखा जाए तो गाइस काफी अच्छे प्लेयर है, ठीक है। और गाइस थर्ड नंबर में बात कर लेते ईस्ट बंगाल एफसी के बारे में। तो गाइस ईस्ट बंगाल एफसी बहुत सारे प्लेयर्स को खोज रही है यार, लेकिन गाइस हम लोगों को वो बात मालूम नहीं चल रहा है, क्योंकि गाइस ईस्ट बंगाल एफसी छुप छुप के खोज रही है प्लेयर्स, ठीक है। तो गाइस इसी दौरान एक न्यूज निकल के सामने आ रहा कि गाइस जो जेसन टीके है वो ईस्ट बंगाल एफसी में आ सकते हैं, मतलब गाइस ये रिजर्व टीम के प्लेयर है, ठीक है, ईस्ट बंगाल एफसी के रिजर्व टीम के प्लेयर है। तो गाइस चलिए मैं आपको तरह से इस प्लेयर के मैंने बता देता हूँ। तो गाइस जो जेसन टीके है उनका सर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है यार, भले ही उनका गेम बहुत अच्छा है लेकिन गाइस उनका सर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और गाइस मैं बता दूं कि इनको रिलायंस डेवलपमेंट लीग से उनको 2 या 3 बार उनको रेड कार्ड भी मिल चुका है, इसलिए गाइस कार्लोस क्वात्रेन सोच रहे हैं कि इनका डील पूरा पूरी कंप्लीट किया जाएगा कि नहीं। अब देखो गाइस इनका डील पूरा पूरी कंप्लीट हो पाता या फिर नहीं ईस्ट बंगाल एफसी में। बस यही बोल रहा, चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।